तभी भी मैं जस्ट उठाऊ, सुबह का अभी लगभग 6:30 हो चुका है। मैं सोच रहा था सुबह में भी जाऊंगा रनिंग, बट सुबह में नहीं जा पाया क्योंकि पता नहीं अभी थोड़ा टाइम लग रहा है उठने में, क्योंकि शाम को तो मैंने रनिंग स्टार्ट कर दिया हुआ है। तो और क्या है कि और सबसे मेन चीज रैली आ गया तो थोड़ा खुश लग रहा है, बट अफसोस ये है कि वो एक पहले के जैसा नहीं था। अभी सिर्फ 4 साल के लिए, अभी देखते हैं जो होता सो होता, एटलीस्ट ट्राई तो मारेंगे, अगर होगा होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो छोड़ो गोली मारो कोई बात नहीं। तो अभी मैं गर्म पानी पी रहा हूँ क्योंकि बदन को थोड़ा मतलब रिलैक्स मिलता है, सुकून मिलता है, वही है। तो खाना मैंने बैठा दिया, अभी मैं थोड़ी देर के बाद अभी मैं बैठूंगा, रेस्ट करूंगा। अभी भी उठाऊ पर मतलब फटाक से काम नहीं कर सकता, आप लोगों को भी पता है। तो उसके बाद मैं नाश्ता वास्ता करूंगा तो चला जाऊंगा काम पे, शाम को फिर जाएंगे रनिंग के लिए। मौसम बाहर पे, और मैं सोच रहा हूँ अभी ना टिफिन पैक कर लेता हूँ क्योंकि ये रहा मेरा टिफिन जो कल मैंने धो लिया था रनिंग के बाद। तो अभी जो है ना टिफिन पैक कर लेता हूँ क्योंकि टिफिन पैक क्योंकि मैं दुकान दुकान में नहीं खाता और बाहर में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं खाने के लिए, तो मैं घर का ही लेके जाता हूँ टिफिन। तो मैंने राइस मैंने बना लिया था सुबह पे, तो सब्जी तो वही जो मैंने रात को बनाया था, तो कोई बात नहीं इसको अभी गर्म करके। और मैं सोच रहा हूँ नाश्ता मैं बाहर पे करूंगा क्योंकि एक भाई साहब है वहाँ पर जो पूरी बेचते हैं ना, मुझे वो मतलब बिल्कुल पसंद है, और खाने से मतलब पेट खराब नहीं होता है क्योंकि कई कई जगह में पेट खराब हो जाता है, बट वो खाने से मुझे कोई इफेक्ट नहीं होता और अच्छा भी लगता है, टेस्ट भी आता है। तो मैं सोच रहा हूँ वहां से मैं 2-3 पूरी खा लेता हूँ, उसके बाद मैं चला जाता हूँ काम पे, और वो सस्ता भी है आपको पता ही है। तो सब्जी मैं गर्म कर लेता हूँ सबसे फर्स्ट, ये रहा सब्जी। सब्जी गर्म करने का फायदा ये है कि वो खराब नहीं हो जाता जल्दी, क्योंकि अभी गर्म और बारिश का मौसम में अभी ना टाइम टाइम पे खराब हो जाता है, टाइम पे मतलब वो हो जाता तो अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि खाना वेस्ट होने के लिए उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अभी मैं पैक कर लेता हूँ टिफिन, उसके बाद में लेके चलता हूँ। चलिए, अभी फिर से बारिश हो गया। बारिश हो जाने से यार बहुत दिक्कत होता है काम पे जाने के लिए, कि मैं स्कूटी से जाता हूँ ना। ये रहा मेरा टिफिन, अब रेडी हो गया, अब मैं इसको स्कूटी में डाल देता हूँ। अब मुझे तेल भी चेक करना पड़ेगा, तेल है कि नहीं है। अरे यार, मैं रख दिया टिफिन, अब तेल देखते है कि नहीं है। तेल हो जाएगा। ये जो कपड़े जो है मेरा सिर्फ मैं यहाँ पर रख देता हूँ क्योंकि मैंने इसको धो लिया था। बारिश में क्या है कि ना अगर कपड़े नहीं रखोगे आप तो क्या होता है कि जब भीग जाता है आप कहीं कहीं जाना पड़ता है, पूरा मतलब फिर से पूछना पड़ता है और कपड़ा नहीं मिलता है, सो बहुत दिक्कत लगता है। तो अभी मैं ये रहा मैं कपड़े, ये और ये मैं पहनूंगा आज का दिन, उसके बाद मैं चला जाऊंगा काम पे। मुझे वैसे भी नाश्ता तो मुझे आज घर पे करने का मन नहीं है, कभी कभार मैं पूरी खा लेता हूँ, तो देखता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ ना, मेरा एक यूनिफॉर्म है काम पर, तो वह काम पर मैं क्या करता हूँ मैं रखता हूँ, क्योंकि कभी कभी जब बॉस आ जाता है ना अगर यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ देखने से उनको गुस्सा हो जाता है, सो मैं क्या करता हूँ कि मैं वो पहन लेता हूँ कभी कभार। तो हालांकि मैं डेली नहीं पहनता, एक दिन करके मैं पहनता हूँ ताकि अगर बॉस पूछे भी, एक दिन अगर किसी दिन ना मिले मैं बोल सकता हूँ कि मैंने धो के सुखा दिया हुआ। तो और एक है ये पुराना वाला, ये पुराना हो गया एकदम, तो मैं अभी पहनता हूँ बट कभी कभार पहनता हूँ। और अभी जल्दी से जल्दी बारिश रुक जाओ यार, अभी मत आओ बारिश। मैं सुबह से अभी तक भी मैं सिर्फ गर्म पानी ही पी रहा हूँ।
तो अभी मैं निकलने के लिए रेडी हो गया हूँ। हालांकि मैं इतना जल्दी नहीं निकलता, बट अगर मैं जब मैं पूरी खाता हूँ वगैरह के मैं खाता हूँ तो मैं जल्दी निकलता हूँ, क्योंकि वहाँ पर भीड़ रहता है जहाँ पर मैं खाता हूँ। और वहाँ में भीड़ क्यों होता है, क्योंकि सभी लोग को सस्ता भी है और प्लस अच्छा भी है, इसलिए हम लोग खाता है। तो अभी तो मैं खाते खाते टाइम वेस्ट मैं खाते खाते वेट करते करते लगभग 9 बज ही जाता है, तो मैं तभी तक 9 बजने से पहले मैं काम पर पहुंच जाता हूँ। ये भाड़ा का पैसा भी रेडी हो चुका था और अभी मैं पूरी खा लेता हूँ, तो इसमें से मैं 100 रुपया रख लेता हूँ अपने पॉकेट मनी काम जब जाने से, क्योंकि मतलब मैं हमेशा मतलब 100 तो नहीं रखता हूँ, कभी कभार 10-20 जितना भी होगा मैं खाली नहीं जाता हूँ, एटलीस्ट मैं थोड़ा पैसा तो लेके चलता हूँ 10-20 रुपया, क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसा खाली नहीं चलना चाहिए क्योंकि अच्छा नहीं है। और एक चीज़ की अब मुझे भाड़ा भी देना है, ऑलमोस्ट 10 तारीख के अंदर मैं भाड़ा दे देता हूँ, मैं बाद में देखता हूँ कैसा होगा मौसम तो मैं दे दूंगा। तो मैंने ये ले लिया 100 रुपीस, ये 100 रुपीस से मैं चलाऊंगा, ख़त्म नहीं करता हूँ ऑन द स्पॉट, क्योंकि सैलरी मिला था तो सैलरी अभी मैंने दे दिया जहाँ जहाँ देना था, और थोड़ा बहुत ही ये लगा दिया एक अच्छे काम के लिए। तो अभी मैं जाऊंगा, बारिश थोड़ा थोड़ा आ रहा है लेकिन मैं चला जाऊंगा, क्योंकि वेट नहीं करने का, क्योंकि बाद में और जोड़ आ सकता है फिर, और जहाँ पे मैं खाता हूँ पूरी ना वहाँ पे मतलब मेरा ऑलरेडी सामने है काम का, तो वही है। और यहाँ का बच्चा लोग अभी पढ़ रहा है क्योंकि एग्जाम है, तो निकलता हूँ मैं भी। तो आप लोग अभी देख ही चुका मैं किक क्यों मार रहा हूँ, क्योंकि ये जो स्कूटी जो है ना मैं किक ही मारता हूँ फर्स्ट स्टार्ट के लिए, मॉर्निंग में मैं जब स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट तो मैं किक ही मारता हूँ, क्योंकि किक मारने से क्या है कि इतना प्रेशर नहीं आता बैटरी पे और बैटरी भी इतना डाउन नहीं होता। तो अभी मैं जाऊँगा काम पे और ये बारिश टपक टपक बूंद रहा है थोड़ा थोड़ा, तो मैं जल्द से जल्द चला जाता हूँ काम पे। तो गाइस अभी मैंने पूरी खा लिया हुआ है और मैं आपको दिखाता हूँ जो सीट पे जो मैंने बोला था ना, अभी दिखाता हूँ। ये रहा, ऐसा हो जाता है गाइस बारिश आ जाने से, थोड़ा टाइम के लिए मैं इधर बैठता हूँ क्योंकि जल्दी जाएगा अभी काम पे, अभी कोई आया नहीं, अकेला अकेला क्या करूँगा, बोर हो जाऊँगा। तो स्कूल के बच्चे लोग स्कूल जा रहा है, अच्छा है देख के, गाड़ी उड़ी चल रहा है, सभी लोग अपने अपने काम पर व्यस्त है, यही है। और ये जो है हमेशा साथ देता है मेरा। तो अभी ना मैं बहुत जल्दी आ गया था क्योंकि मैंने जैसा सोचा था खाएंगे अच्छा वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी बनाया वाला था और प्लस आदमी भी नहीं था, तो क्या हुआ कि वही मतलब जो ऑलरेडी बनाया वाला था पूरी मैंने वही खा लिया और मुझे इतना अच्छा भी नहीं लगा, तो सिर्फ मैंने कितना छेटू खाया फिर आ गया। तो आ गया तो देखता गेट ही नहीं खोला, कुछ भी नहीं खोला, तो आज मैं खोल रहा हूँ सब। तो अभी जब मैं जाऊँगा स्कैन करूँगा, अपना एविडेंस दूंगा, तब मैं काम पे लग जाऊँगा। काम तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ फिलहाल, अरे यार लाइट भी नहीं है, पूरा अंधेरा अंधेरा में खोलना पड़ा है अभी, आप लोग को देख पा रहा है कि नहीं पता नहीं। तो पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, आई होप इस पे बैटरी होगा। और ये रहा सारा स्कूटी, ये हो गया शोरूम, ये जहाँ पर मैं हूँ ये हो गया शोरूम और ऊपर पे वर्कशॉप, तो मैं वर्कशॉप पे काम करता हूँ। जल्दी हो जाए फटाफट मैं स्कैन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा ऊपर में, क्योंकि क्या है कि ना गाइस अगर हम लोग अटेंडेंस नहीं देंगे ना तो सैलरी मिलने के टाइम में काट दिया जाता है, अगर आप भूल गया तो भूल गया, यही आपका फॉल्ट है, ऐसा होता है भाई कंपनी में काम करना। ये मैं बैटरी ऑफ कर दिया,
अब मैं ये बंद कर देता हूँ। ये रहा ऊपर का व्यू, यहाँ से हम लोग आके स्कैन करते हैं, सीधा ऊपर चला जाते हैं। और मौसम देखो, अभी फिर से थोड़ा थोड़ा धूप आ गया यार। ये मौसम भी ना बहुत दिमाग खराब कर रहा है, ऐसा में तो बहुत लोग बीमार भी पड़ेंगे। खैर कोई नहीं, क्या करेंगे, सबका अपना अपना ओन हेल्थ है। अभी मैं चलता हूँ वर्कशॉप की तरफ। देखो पूरा खाली पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं आया, सिर्फ मैं ही आया हूँ आज। कल से तो भाई मैं ये गलती नहीं करूँगा, आऊँगा टाइम से आऊँगा, चाय पूरी खाओ ना खाओ। अब लाइट भी नहीं है, नहीं तो मैं अभी टाइपिंग प्रैक्टिस करता था। खैर अभी ठहरो लाइट को, चलो मैं भी थोड़ा रेस्ट करता हूँ यहाँ पे। मैं जहाँ पे रेस्ट करता हूँ, ये कस्टमर लंच है, मैं यहाँ पर कभी कभी सो जाता हूँ अगर कस्टमर ना हो तो। अभी टाइम भी देखो 8:30 बज रहा है, तो देखते। तो अभी गाइस 10 बज रहा है, तो अभी 10 बजे अभी तक भी काम नहीं आया, तो अभी बैठा हूँ बाहर पे। और मौसम अभी बारिश आया था थोड़ी देर, अभी फिर धूप आ गया, तो आज काम भी नहीं फिलहाल इतना, पता नहीं क्या हो गया, तो खाली पड़ा हुआ है। तो देखते थोड़े देर बाद खाना खाने टाइम हो जाएगा, खाना खा लेंगे यार। अभी सिर्फ रैली चाहिए, रैली। तो गाइस अभी दोपहर अभी 1 बज चुका है अभी, तो अभी भी जस्ट खाना खा लिया। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं खाने लेते हुए सोच रहा था कि वीडियो बनाऊंगा, बट मेरा कलीग ने मतलब जो मैं काम करता हूँ उन्होंने थोड़ा मतलब थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे वीडियो के लिए, तो फिर मैंने सोचा नहीं बनाऊंगा। इसलिए मैंने भी मतलब कहीं फोर्सफुली नहीं किया इस सब चीज़ के लिए, कि अभी से सिर्फ क्योंकि वीडियो है तो मैं ही आऊँगा। अब क्या करें, अभी वो लोग आने दिल नहीं तो मैं ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकता है। तो मैंने सोचा था कि गाड़ी नहीं आएगा आज इतना, बट ऐसा काम आया कि ऑन द स्पॉट इतना सारा काम आया, आप लोग देख ही लिया, छोटा छोटा क्लिप मैंने लिया था। तो खाना खाने का टाइम भी नहीं मिला, लेकिन हम लोग खा चुका है फटाफट, अभी रेस्टिंग टाइम है। थोड़ी देर बाद अभी फिर काम होगा, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी आज का दिन काम बहुत था, और प्लस अभी छुट्टी होने वाला है, तो अभी हम लोग थोड़ा डर पड़ा, अभी मैं निकल जाऊंगा घर के लिए, और उसके बाद मैं रेडी करता हूँ रनिंग के लिए। अभी जाके काम थोड़ा गमती हुआ है कि अभी ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला है, इसलिए तो कस्टमर को भी पता हो गया। तो अभी थोड़ी देर बाद निकल जाऊंगा स्कैन करके घर, उसके बाद मुझे घर फैक्ट्रीज पर रनिंग के लिए भी जाना पड़ेगा। आज का दिन थक गया यार, बहुत काम था। फाइनली गाइस अभी मैं आ गया हूँ नीचे पे स्कैन करने के लिए, अभी जाने का टाइम आ गया मेरा, तो अभी जाता हूँ स्कैन करता हूँ, तो इसके बाद मैं निकल जाऊँगा घर के लिए, क्योंकि शोरूम तो थोड़ा देर होके बंद करता है, पहले तो वर्कशॉप। गाइस मैंने भाड़ा भी दे दिया, तो फटाफट मैं सोच रहा भाड़ा भी दे देता हूँ ताकि थोड़ा टेंशन फ्री हो जाऊँ। तो बस अभी भाड़ा मैंने दे दिया, अभी मैं जाऊँगा घर, चलता हूँ। तो गाइस अभी भी मैं मतलब घर पहुँच चुका हूँ, तो अभी मैं फटाक से कपड़ा खोल लेता हूँ, फिर मैं चला जाऊँगा रनिंग के लिए। तो पहनता हूँ फटाफट, क्योंकि टाइम नहीं, क्योंकि फिर फटाफट वहां से आके खाना भी बनाना है, तो देखते। अभी मैं रेडी हो चुका हूँ दौड़ने के लिए,
फुल सूट, ये रहा स्कूटी। तो मैं निकलता हूँ हेडफोन पहन के, इसका बिना तो रनिंग नहीं होता है मेरा, कि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है गाना। तो चलो देख के अच्छा लगा कि अभी रैली आ गया, तो अभी सभी लोग मैदान में आ गया दौड़ने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है। अभी मैं भी पहले कूल डाउन कर लेता हूँ। गाइस रनिंग करके आ गया, आज तो मैं दौड़ा हूँ सिर्फ 2.6 किलोमीटर। तो स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा काफ़ी है, ज़्यादा पुश करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है आपको। तो अभी कूल डाउन करूँगा जो रनिंग के बाद करना पड़ता है, उफ़। और रनिंग से पहले वार्म अप ये ज़रूरी है, उफ़। तो पसीना हो गया, और मौसम यार आज का दिन साला कभी धूप तो कभी बारिश दिमाग खराब कर देता है, उफ। अभी मैं प्रॉपर कूल डाउन करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, क्योंकि बैटरी बहुत कम हो गया है। तो अभी घर जा रहा हूँ, हो गया वर्कआउट हमारा, देखते हैं कितना तक जाएंगे। फाइनली दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ रनिंग से, तो अभी मैं जा रहा हूँ घर, पहुँचने वाला हूँ ऑलमोस्ट, तो ऐसा होऊंगा। फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ घर पे, अभी मैं जाऊँगा फ्रेशअप होने, बहुत ही भीग गया पूरा पसीना, आपको भी पता है वर्कआउट करने के बाद क्या होता है। अभी मैं जाऊँगा, उसके बाद मैं खाना वाना तो है ऑलरेडी, वही सुबह में जो बनाया, तो नेक्स्ट डे फिर देखता हूँ मैं क्या बनाता हूँ, अभी तो कुछ मूड नहीं बनाने का, और आज थोड़ा लेट हो गया। तो फाइनली गाइस मैं नहा के आ गया, थोड़ा मैं ऐसा रहता हूँ क्योंकि अगर ऐसा नहीं करूँगा तो फिर थोड़ा ठंडा ठंडा मिलता है मुझे, थोड़ा राहत मिलता है, क्योंकि जो मेरा घर है टीना का है ना, इसलिए ये अभी भी थोड़ा गर्म है, क्योंकि दिन भर गर्म की वजह से ना, और प्लस घर बंद रहता है इसलिए। तो खाना ना तो आज के लिए हो जाएगा, सुबह में बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे बनाने का दिल नहीं। और यस मैं दुकान से ये लेके आया, ये खाएंगे अभी थोड़ी देर बाद चाय पी के। हालांकि वो सब भी खाना नहीं चाहिए जो रनिंग करता है, लेकिन अभी मैं स्टार्ट कर रहा, तो धीरे धीरे मैं सब छोड़ दूंगा, मेन मेन चीज़ खाऊंगा, अभी भी कोई बात नहीं कभी कभार खाने से। तो अभी रिलैक्स करता हूँ, थोड़ी देर बाद खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ। दोस्तों सोचा था चाय पीकर, चाय पीने देखा तो चपाती देखा तो सदा खराब ही होगा, क्योंकि मैं डेली डेली चाय तो नहीं पीता कभी कभार, तो आज मन किया पीने के लिए, सोचा मैं घर पे जाके लाल चाय पी के उसका साथ खाऊंगा, नमकीन के साथ जो मैंने लेके आया, अब देखा तो खराब ही हो गया, पूरा निकल गया इसका क्या बोलता है, मैं कहता हूँ देखो दिमाग खराब यार, पूरा वो सफेद सफेद आ गया। तो कोई बात नहीं, ऐसे ही खा लेते, फिर शायद हो सकता है पैकेट चीनी तो है, सिर्फ चाय पत्ती नहीं है, मैंने उस पर डाल दिया है, खराब हो गया अभी। तो छोड़ो, तो मैंने एक उपाय निकाल दिया इसके साथ खाने के लिए ना, मेरे पास ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज मैंने मिक्स कर दिया हुआ है यहाँ पर, अभी मैं इसके साथ और ये इसके साथ खाता हूँ, क्योंकि ऐसे खाएगा भी अच्छा नहीं लगता, सूखा सूखा लगेगा। तो अभी फिलहाल इसको मैं सुखा देता हूँ यहाँ पर, ऐसा चूल कर लिया यार, थोड़ा आराम लग रहा है मेरे को, क्योंकि जब भी नहाओगे और रनिंग, और जो रनिंग करता है तो वो सुबह शाम तो नहाता ही नहाता है, तो क्या है कि चूल सूखने के लिए टाइम लगता है, अगर चूल लंबा होने से तो क्या होता है कि जुकाम या फिर बुखार के भी हो जाता है, तो ये ना होने के लिए चांसेस, इसलिए ऐसा काटने से आराम हो जाता है, इसलिए फौजी में भी ये सब काटता है, ताकि फटाक से, और सबसे मेन चीज़ डैंड्रफ सेंड्रफ उस सब का कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा चूल रखने से। तो ये खाते ऐसे खाने का मन किया, आने के टाइम में रास्ते से मैंने ये देखा, अच्छा लगता है मुझे, ये बेसन से बना हुआ है, अच्छा लगता खाने के लिए,
नमकीन उसके साथ बढ़िया। तो फाइनली दोस्तों अभी देखते देखते 9:30 बज गया, तो अभी मुझे खाना का टाइम भी हो गया, तो अभी मैं सब्जी गर्म कर रहा हूँ, खाऊंगा उसके बाद मैं सो जाऊंगा। तो इतनी टाइम तक मैं आगे से यही लगा रहा था टाइपिंग विटिंग में, क्योंकि कंप्यूटर अभी हाल ही में ही आया, हम लोग देखा है अनबॉक्सिंग वीडियो में, तो सब्जी भी गर्म हो रहा है, तो वही खाऊ के सो जाऊंगा, सुबह में बनाता हूँ अगले दिन के लिए। तो अभी मैं देखा था आपको खाने में क्या है मेरा, तो मैंने कल बनाया था, क्या है कि ना मुझे ना वेस्ट करने में अच्छा नहीं लगता है, तो ये हो गया राजमा का और अंडा के साथ मैंने बनाया था, काफ़ी मतलब पौष्टिक है खाना। और ये दो रोटी है मेरा, ये खा के मैं सो जाता हूँ, प्याज इतना खाने का दिल भी नहीं है। तो ये रहा, मैंने गैस बंद कर दिया, सब बर्तन को मैं काली धोता हूँ। ये रहा मेरा खाना। वैसे भी अगर आप रनिंग कर रहे हो ना, तो मेरा एक एडवाइस है कि अगर आप खाना खाओगे तो बेस्ट है कि आप लोग कम खाओ लेकिन न्यूट्रिशियस वाला खाओ। कई लोग खाना ज्यादा खाते हैं बट उसमें कुछ न्यूट्रिशियस, कुछ प्रोटीन, कुछ वगैरह है ही नहीं जो हम लोग को बदन को चाहिए, तो क्या फायदा, बात वो है। तभी मैं खाता हूँ थोड़ा देख के, फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग पे, तो बाय बाय।